परसोक के तहत चुराग में तीन कृषि कानून के विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। यहां शनिवार को हिमाचल किसान सभा के बैनर तले चुराग इकाई ने तीन कृषि कानूनों की प्रतियां भी फूंकी। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। किसान सभा ने कहा कि देश का किसान तीन काले कानून कृषि कानूनों के विरोध में करीब एक साल से सड़कों में आंदोलन कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार को किसानों की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने किसानों की इच्छा के विरुद्ध जो तीन कृषि कानून लाए गए हैं, ये किसानों के हितों में नहीं है, जिसका विरोध उपमंडल स्तर पर भी जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करके हो रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसका मकसद तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। किसान सभा ने करसोग में मौसम की वजह से तबाही हुई फसलों को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। किसान नेताओं ने कहा कि सर्दियों के मौसम में सामान्य से कम हुई बारिश की वजह से किसानों की मटर की फसल सूखे की भेंट चढ़ गई है। यही नहीं, प्री मॉनसून सीजन में हुई भारी बारिश ओलावृष्टि से भी स्टोन फ्रूट सहित सेब की फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि सरकार फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दे रही है। वहीं हिमाचल किसान सभा चुराग इकाई के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने बताया कि चुराग में तीन कृषि कानूनों के विरोध में धरना दिया गया है। इस दौरान तीन काले कानूनों की प्रतियां भी जलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सरकार पर किसानों की आवाज पहुंचाना था। करीब एक साल से किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं देना ये गलत है। उन्होंने मौसम की वजह से करसोग में मटर सहित स्टोन फ्रूट व सेब को हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। चुराग के अंदर इस काले कानून के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके अंदर जो है जो तीन कानून जो सरकार लाई थी, जो काले कानून सरकार ने किसान के विरोध में लाए थे, उनकी आज प्रतियां जलाई गई है। मुख्य उद्देश्य सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना भी था। इसके साथ साथ जो एक साल से जो है लगातार किसान जो है धरने पर है, प्रदर्शन कर रहा है, और सरकार का ध्यान उनके ऊपर नहीं जा रहा है। जिस तरीके से ये कोरोना काल है, कोरोना के अंदर अगर हम देखें आम जनमानस का जीना जो है दुश्वर हो गया है। अगर हम किसानी की बात करें तो आज किसान भी जो है सड़कों पर आ गया है, और जिस तरीके से ये लगातार किसान आंदोलन जो है चल रहा है, उसमें जो है हमारी जो डिमांड है जो तीन कृषि कानून है इसको वापस लिया जाए। हम जो है अपना हक मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज कोरोना से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लाचार हो गई है। हम अगर करसोग की बात करें, करसोग के अंदर भी पिछले जो हमारी फसल मटर की थी वो भी तबाह हुई है। अब जो है हम सेब की फसल के अंदर भी देखते हैं तो वो भी पूरी तरीके से तबाह हुई है, लेकिन सरकार जो है इसमें कोई भी मुआवजा जो है किसानों को नहीं दे रही है। तो हम एक अपील करते हैं कि किसान सभा के बैनर तले हम एक अपील सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, जिस तरीके से काले कानून जो लाई है इसको वापस किया जाए, अन्यथा जो है इस मुहिम को तेज किया जाएगा। आज किसान आंदोलन के एक साल पूरा हुआ है, अभी ये आंदोलन ठहरने वाला नहीं है, ये घर गांव हर इलाके तक जो है पहुंचने वाला है। इसीलिए आज ये टोकन धरना जो चुराग के अंदर किसान सभा के बैनर तले किया गया। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए करसोग से धर्मवीर गौतम की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।